ओके तो आज हम हिस्ट्री करेंगे वर्डप्रेस की। ब्रीफ हिस्ट्री करनी है, इतना ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़नी। ठीक है, थोड़े थोड़े मेजर फैक्ट्स जो है इसके वो याद रखने। पहले लिख लो, साथ साथ में बाद में समझाती रहूंगी जैसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना हिस्ट्री को। ठीक है, समझ में भी आएगा और करना भी इजी रहेगा बाद में। फर्स्ट पॉइंट है, वर्ड प्रेस वाज बोर्न आउट ऑफ ए डिजायर फॉर एन एलिगेंट, ई एल ई जी ए एन टी, एलिगेंट। मैम एक बार रिपीट कर दो। वर्डप्रेस वाज बोर्न आउट ऑफ ए डिजायर, DESIRE वाला डिजायर। ठीक है, फॉर एन एलिगेंट, जिसके स्पेलिंग नहीं आते होंगे साथ साथ चैट बॉक्स चेक करते रहना, मैं डिफिकल्ट स्पेलिंग सारे लिख रही हूँ साथ में। एलिगेंट देन कोमा वेल आर्किटेक्चर्ड, वेल आर्किटेक्चर्ड, पर्सनल पब्लिशिंग सिस्टम, पर्सनल पब्लिशिंग सिस्टम बिल्ट ऑन PHP एंड MySQL, एंड लाइसेंस्ड अंडर, लाइसेंस्ड अंडर GPL। क्या था GPL जी, रिमेम्बर एनीवन? नहीं याद? देख लो पीछे पेजेस, टर्न करो, वर्डप्रेस के बारे में जब लिखा था कुछ GNU वाला कुछ जनरल लिखा पब्लिक हो, लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, GNU का जनरल पब्लिक लाइसेंस था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑफिशियल सक्सेसर, चैट बॉक्स में स्पेलिंग देख लो, ऑफिशियल सक्सेसर ऑफ B2, मैं सेंड भी कर रही हूँ, B2/ कैफे लोग, देख लो स्पेलिंग, मिस्टेक मत करना, या B2/ कैफे लोग। अब B2/ कैफे लोग क्या है, इसकी ब्रैकेट में ही लिख देना है, ओपन सोर्स ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ये पहले चलता था बिफोर 2001 तक। ठीक है, ये वर्डप्रेस तब तक नहीं आया था, B2 कैफे लोग नाम की कोई वस्तु थी, वो हम यूज करते थे ब्लॉग्स लिखने के लिए, ये ओपन सोर्स था। ठीक है, अब इसी के साथ ब्रैकेट कर दो, अब बंद, कोमा डाल के लिखो लॉन्च्ड बाय, ये हम लिख वर्डप्रेस के बारे में लिख रहे हैं ना, वर्डप्रेस इज ऑफिशियल सक्सेसर ऑफ B2 कैफे लोग, बेसिकली इट लिखा ना जो वो वर्डप्रेस को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं कि वर्डप्रेस वाज लॉन्च्ड बाय माइकल वेल्द्रिगी, स्पेलिंग चैट बॉक्स, इन 2001। B2 कैफे लोग बनाया, 2001 तक चल रहा था हमारा B2 कैफे लोग, ओपन सोर्स ब्लॉगिंग कैफ प्लेटफॉर्म था, माइकल वेल्ज़की जो पर्सन है वो उसे सारा ध्यान उसका रख रहा था कि ठीक चले वगैरह वगैरह सारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वर्डप्रेस इज
ए मॉडर्न सॉफ्टवेयर. वर्डप्रेस इज ए मॉडर्न सॉफ्टवेयर. बट इट्स रूट्स but its roots and development goes back to 2001. मतलब 2001 से स्टार्टिंग हुई वर्डप्रेस बनाने की. अभी आया नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ, बनाना स्टार्ट करना किया है. ठीक है, 2001 में किसने किया, अब लिखेंगे. पहले इसी के साथ लिख लो, इसी पॉइंट में. इट इज मैच्योर एंड स्टेबल प्रोडक्ट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब ऑन 27th मई 2003 तक पहुंच गए. 2001 में स्टार्ट किया, 2003 तक पहुंच गए, मई तक. ठीक है, तो कोमा वर्डप्रेस गोट रिलीज्ड ऑफिशियली. वर्डप्रेस गोट रिलीज्ड ऑफिशियली by its founders. दो founders थे इसके. कौन कौन थे? By its founders named Matt Mullenweg. Spelling check box में है. MATMULLENWEG. Matt Mullenweg and माइक लिटल, दो बंदे थे. ठीक है, इन दोनों ने बनाया एक्चुअल में वर्डप्रेस. जो माइकल वेल्दगी था उसने B2 कैफेलॉग बनाया था, उसे हैंडल भी कर रहा था, मैनेज भी कर रहा था. उसने आइडियाज दिए, उसके आइडियाज को चोरी किया इन दो पर्सन ने जो अभी आपको नाम बताए, मैट एंड माइक, दो नाम. ठीक है, अब लिखो. बिफोर दिस PHP along with MySQL was used for developing the B2 blogs. जो हमने B2/Cafelog लिखा था उसके वाला B2 blogs. This tool was mainly meant for writing blogs. मतलब B2 का काम था सिर्फ blogs लिखना, बस और कुछ नहीं करना. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट. अगेन मैट मुलेनवेग, जो पहले स्पेलिंग बताए थे वही वाले मैट मुलेनवेग. कोमा, ये कौन था? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा था. ठीक है, तो उसका दिमाग चल नहीं था. अब लिखो कोमा हु वाज इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज. ठीक है ना, हु वाज सन ऑफ a software engineer and a user of user and community member of B2. मैट कौन था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा था और B2 का यूजर भी था और उसका मेंबर भी था, उसकी जिस जो टीम उसे हैंडल करती थी उसका मेंबर भी था.
पॉइंट रिपीट करे हो। पॉइंट अभी वैसे खत्म नहीं हुआ पर रिपीट कर रही हूँ। मैट मुलनवेक हु वाज सन ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ए यूजर एंड कम्युनिटी मेंबर ऑफ B2। अब कोमा डाल दो, हु वाला पार्ट जो था कोमे तक स्टार्ट था वो अभी खत्म हुआ, अब लिखना है आगे इंस्टॉल्ड B2, इंस्टॉल्ड B2 इन हिज सिस्टम फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज इन ईयर 2002, 2002 में, अभी 2003 में वर्डप्रेस आना है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। 2002 में मैट मुलनवेक ने अपने पीसी में, अपने सिस्टम में B2 को इंस्टॉल किया। क्यों किया था? ब्लॉग लिखने के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए किया था उसने। बट हुआ क्या आगे, आगे की स्टोरी लिखो, कोमा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। एज वो माइकल वाल्द्रिगी के नाम के स्पेलिंग भेजे हुए हैं वो लिखो दोबारा, माइकल वाल्द्रिगी स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग अपडेट्स, स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑफ B2 2002 में, माइकल वाल्द्रिगी, अब मैंने दोबारा सेंड कर दी वैसे चैट बॉक्स में रीसेंट, देखो उसने क्या किया जी, उसने 2001 के बाद कोई अपडेट नहीं भेजा B2 का, आना चाहिए था अपडेट तो होने चाहिए हर सॉफ्टवेयर में, पर उसने अब टाइम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चेंज नहीं किया, ना ही उसने कोई अपडेट दिए। तो हुआ क्या, कोमा मैट, जो मैट वाला मैट मुलनवेक था, उसने क्या किया, मैट वाज डिटरमाइंड, मैट वाज डिटरमाइंड टू फोक, FORK वाला फोक, मैक वाज डिटरमाइंड टू फोक द टूल B2। And make it more prominent. Make it more prominent. Spelling भेज दी prominent की, अगर नहीं आते तो देख लेना, more prominent for his blogging. मतलब Michael ने stop कर दिया उसके updates देने, तो Matt ने क्या कहा कि मैं fork करूंगा इस software को. Fork करना मतलब किसी के सोर्स कोड को ले लेना जो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, उसे बोलना तो मुझे अपना सोर्स कोड दे दे, क्योंकि ओपन सोर्स था B2, उसका सोर्स कोड उसे मिल सकता है। उसका सोर्स कोड लिया और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए उसने सजेशन दिया कि मैं उसमें कुछ चेंजेस करके अपना एक न्यू सॉफ्टवेयर अपलोड करना चाहता हूँ, और क्यों करना चाहता हूँ, ताकि मैं ब्लॉगिंग को और प्रोमिनेंट बना सकूँ, मतलब और ईजी एंड इफेक्टिव बना सकूँ, यूजर फ्रेंडली बना सकूँ। ठीक है, फोक करने का मतलब है किसी का सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है उसकी कोडिंग ले लेना और उसमें कुछ खुद चेंजेस कर देना, डेट इज नोन एज फोक। ठीक है, फोक करना सॉफ्टवेयर में, अगर फोक की बात की जाए, हर जगह डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश वर्ड्स के, बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर फोक का मतलब है सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने और अपडेट करके अपलोड कर देना। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही रोट ए ब्लॉग, ही मतलब मैट, अभी हम मैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो तीसरा पर्सन था माइक वो भी नहीं आया, अभी सिर्फ माइकल चल रहा है और मैट चल रहा है। ठीक है, माइकल B2 वाला, मैट आ गया, उसने कहा मैंने फोकिंग करनी है, तो अब मैट की ही बात कर रहे हैं। ही रोट ए ब्लॉग वेयर ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंसमेंट कर दी कि मैंने फोक करूंगा जी अब इसको, पहले सजेशन दिया था फिर उसने अनाउंस कर दिया यूजिंग ब्लॉग, where he announced to fork the source code of B2, officially announced किया उसने। ठीक है, and अब आया हमारा Mike Little, and Mike Little, मैं repeat करना point, he wrote a blog where he announced to fork the source code of B2, and Mike Little
रिप्लाइड अफर्मिंग, अफर्मिंग मतलब मैं एग्री करता हूँ, मैं भी तेरा साथ दूंगा, चल मैं भी तेरे साथ तेरी हेल्प करता हूँ काम करने के लिए, वो वाला ठीक है। एक दोस्त कहता मैं घूमने जा रहा हूँ, दूसरा कहता मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वो अफर्मिंग होती है। रिप्लाइड अफर्मिंग दैट ही इज विलिंग टू ज्वाइन, ही इज विलिंग टू ज्वाइन मैट MATT मैट इन फोकिंग एंड वर्क टूगेदर, कि मैं रेडी हूँ तेरे साथ फोक करने के लिए, मतलब अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंजेस करने के लिए मैं रेडी हूँ और मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, हम इकट्ठे काम करेंगे। बात क्या था? माइक लिटल रिप्लाइड अफर्मिंग दैट ही इज विलिंग टू ज्वाइन मैट MATT मैट इन फोकिंग एंड वर्क टूगेदर। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेटर लेटर LATER कोमा दे फॉर्म्ड ए टीम ऑफ डिवेलपर्स, उन्होंने एक टीम बनाई डिवेलपर्स की। एग्जैक्ट नंबरिंग तो नहीं पता, बट इतना पता चला है मुझे, एग्जैक्ट नंबरिंग सारी वेबसाइट से डिफरेंट मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा लिख सकते हैं कि जो नंबरिंग थी वो 10 से कम ही थी, कहीं पे 9 लिखी है, कहीं पे 8 लिखी है टीम मेंबर्स की नंबरिंग। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टीम ऑफ डिवेलपर्स एंड फ्यूअर देन 10 टीम मेंबर्स आप बोल सकते हो, ठीक है, एंड फ्यूअर देन 10 टीम मेंबर्स लिख लो, सिर्फ बोलना ही नहीं है, एंड फ्यूअर देन 10 टीम मेंबर्स सक्सीडेड, मतलब उनको सक्सेस मिला इन क्रिएटिंग देयर ओन वर्जन, इन क्रिएटिंग देयर ओन वर्जन ऑफ वर्डप्रेस ओन वर्डप्रेस ऑन 1st April 2003। याद करने का तरीका, अप्रैल फुल वाले दिन उन्होंने कर दिया था, ठीक है, कईयों का बर्थडे भी होता है तो उन वो बर्थडे की तरह याद कर सकते हैं कि हमारे बर्थडे वाले दिन कर दिया था, ठीक है, बाकी अप्रैल फुल याद कर लो, ठीक। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, अभी अभी आपने कहा है कि फर्स्ट वर्जन, मतलब कि फर्स्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो फिर ऐसा भी लिख सकते होंगे कि उसका अपग्रेडेड वर्जन था B2 का। हाँ, B2 का अपग्रेडेड वर्जन था, पर उसका नाम वर्डप्रेस दे दिया ना उन्होंने, नाम चेंज कर दिया। हाँ, अभी वो ही लिखवा रही हूँ, वही लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई हमारी, ये वाली लाइन 2003 तक लिख लो, आगे लिखो, लाइन कंप्लीट करो, आपको समझ आएगा, रुको एक मिनट। एंड द नेम ऑफ वर्डप्रेस, वही लाइन थी, द नेम ऑफ वर्डप्रेस वाज सजेस्टेड बाय स्पेलिंग भेज रही हूँ, क्रिस्टाइन सेलेक, वेट स्पेलिंग भेज रही हूँ, CHRIST क्रिस्ट लिख के INE क्रिस्टाइन SELLEC के सेलेक्स, चैटबुक में भी भेज दिया देख लो, Tremolet TREMOULET, ये एक पर्सन था, ये कौन था, ये था जी फ्रेंड मैट का, ठीक है, उसने जी नाम बताया, उसने कहा कि हम इसका नाम ना वर्डप्रेस रखेंगे, इसका वो B2 का सक्सेसर नाम नहीं रखेंगे, B2 वर्जन 2 B2 वर्जन 3 ऐसा कुछ नहीं रखना, हमने न्यू नेम देना है क्योंकि हमने इसमें काफी चेंजेस करके इसको काफी प्रोमिनेंट बनाया है, तो उसने कहा कि हम नाम चेंज करेंगे, तो वो भी मान गया, दोस्त था उसका, तो उसने नाम चेंज कर दिया, उसने कहा हम वर्डप्रेस रखते हैं इसका नाम, तो कहते ठीक है जी वर्डप्रेस रख लो,
ठीक है लिख लो सर, इसके साथ ही कोमा डाल के फ्रेंड ऑफ मैट, मैट का फ्रेंड था याद रखना है। ठीक है अब आ गया हमारा वर्डप्रेस, फर्स्ट वर्जन आ गया था। ठीक है तो इस अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द फर्स्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस इंक्लूडेड, इन्होंने B2 से क्या चेंजेस किए वो जरूरी है, बाकी आगे आगे वर्जन में तो अपग्रेडेशन नहीं होगी। ठीक है द फर्स्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस इंक्लूडेड अ न्यू एडमिन इंटरफेस, अ न्यू एडमिन इंटरफेस कोमा न्यू टेम्पलेट्स, न्यू टेम्पलेट्स एंड जनरेटेड XHTML 1.1 XHTML 1.1 compliant templates, जो B2 था उसमें XHTML नहीं यूज होती थी, उसमें बेसिक ब्लॉग्स आप लिख सकते थे, बट जो वर्डप्रेस का फर्स्ट वर्जन आया उसमें उन्होंने XHTML compliant template, मतलब जो टेम्पलेट जिसमें XHTML सपोर्टेड हो वो वाले टेम्पलेट इन्होंने इसमें इंक्लूड किए और कुछ न्यू टेम्पलेट्स भी ऐड किए एंड एडमिन इंटरफेस भी इस इन्होंने चेंज किया। हाँ जी आप बताओ, कोई पूछ रहा था कुछ बोलो। आप बीच में, मैं बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी आपकी, वो वीडियो पॉज हो गई थी ना। ओके 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 लिख लिया जी पॉइंट। यस मैम। ओके इन मई 2004, 2003 के बाद एक साल बाद ही, एक साल एक महीने बाद मई 2004 वर्जन 1.2 ऑफ वर्डप्रेस केम, विद इन मई 2004 कॉमा वर्जन 1.2 ऑफ वर्डप्रेस केम विद प्लगइन आर्किटेक्चर फुल स्टॉप, इसी पॉइंट के साथ ही है ये लास्ट ही पॉइंट हमारी हिस्ट्री का भी। दिस इनेबल्ड यूजर्स एंड डेवलपर्स, दिस इनेबल्ड यूजर्स एंड डेवलपर्स टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ WordPress by writing their own plugins and sharing them with rest of the community, writing their own plugins and sharing them with rest of the community, बस ठीक है। इसके आगे काफी वर्जन्स आए पर हमने यही मैम फंक्शनैलिटी ऑफ वर्डप्रेस बाय बाय राइटिंग their own OWN वाला own plugins and sharing them with rest of the community, मतलब 1.2 वर्जन से पहले, अगर 1.1 वर्जन की बात करें तो उसमें प्लगइन्स का
कुछ आपको ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी जो इनबिल्ट प्लगइन से, बस वही लिख सकते, वही आप यूज कर सकते। बट 1.2 जो था हमारा वर्जन आया, उसने हमें एलो किया कि हम खुद भी अपने प्लगइन्स लिख सकते हैं और दूसरों के लिए उन्हें पब्लिश कर दो, ताकि जो प्लगइन आपने बनाए हैं दूसरों को बनाने ना पड़े, वो डायरेक्टली से यूज करें, दूसरों की हेल्प कर दो। ठीक है, तो डेट वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो B2 ओब्लिक कैफेलॉग नाम की एक वस्तु थी, ठीक है, वो हमारी ओपन सोर्स थी और ब्लॉगिंग के लिए यूज करते थे। वो लिखी, वो हैंडल कर रहा था हमारा माइकल वॉल्डरी, एंड इट इज अबाउट 2001 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ये, ठीक है। और हमारा जो वर्डप्रेस था वो इसी का ऑफिशियल सक्सेसर है, बट उसका नाम हमने वर्डप्रेस रख दिया है। सेम लाइक एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन आते हैं, बट हर वर्जन का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। Currently, I think so, पाई चल रहा है या Q से स्टार्ट हो गया कोई? P तक तो मैम और क्यों मैम, क्यों भी लंग गया मैम, 11 चल रहा है। ऑक्सीजन मैम, ऑक्सीजन तो हो चुकी बेटा, उसके बाद पाई भी आ गया था, पाई के बाद आई थिंक क्यू भी आने वाला था, आ गया होगा शायद, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं अभी। मैम क्यू भी आ गया मैम, 11 चल रहा है, क्यू 10 था, 11 आ गया मैम, 12 आने वाला है, बीटा वर्जन आ गया 12 का। नाम क्या है उसका, क्यू से क्या नाम है? नाम नहीं, क्यू मैम, क्यू तो सिंपल 10 था, और जो मैम 11 है उसका मैम सिंपल कोई नाम नहीं है, एंड्रॉइड 11 ही कहते हैं उसको। ओके ठीक है, ये जो एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन के नाम है ना, ये आपको जो अगर आप कहीं पे इंटरव्यू में जाओगे तो पूछे जा सकते हैं, कहीं पे भी अगर आप जाओ इंटरव्यू में, ठीक है। चलो वापस अपने वर्डप्रेस पे आ जाएं। तो उन्होंने B2 का ऑफिशियल सक्सेसर बनाया जिसका नाम उन्होंने वर्डप्रेस रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वर्डप्रेस था वो GPL लाइसेंस के अंदर, उसे लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, GNU का है ये। देन जो हमारा वर्डप्रेस था वो कैसे आया, बेसिकली 2002 में हमारा जो मैट मुलनवेग था उसने अपने PC में, जो मैट मुलनवेग कौन था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा था और वो उसने B2 का कम्युनिटी यूजर भी था, ठीक है, बेसिकली उसे बोल सकते हो कि कम्युनिटी मेंबर था, बेसिकली उस टीम का मेंबर था जो B2 को हैंडल कर रहा था। तो उसने क्या किया जी, अपने PC में इंस्टॉल किया B2 को, वो चाहता था कि उसमें कुछ चेंजेस करे पर वो नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल पर्सन था जिसने B2 को बनाया, उसको हैंडल करने का जो मेन टीम मेंबर था, लीडर था माइकल वॉल्डर की, उसने उसके अपडेट्स लेके आने बंद कर दिए। 2001 से स्टार्ट हुआ था, 2002 में उसने कोई अपडेट नहीं दिया, तो मैट ने कहा क्यों ना मैं इसमें कुछ अपडेट दूं, मैं उसमें फोकस कर सकूं, ठीक है। तो मैट ने क्या किया जी, उसने पहले उससे बात की माइकल से, तो उसने कहा कर ले भाई, तो तेरी मर्जी है, तू भी मेरी टीम का मेंबर ही है। तो मैट ने क्या किया जी, उसने ऑफिशियली ब्लॉग लिखा एक, और उस ब्लॉग में अनाउंस कर दिया कि मैं इसमें फोकिंग करूंगा, ठीक है, और इसमें ये चीजें मैं ऐड करूंगा। तो उसके बाद ये जो ब्लॉग था ये पढ़ा हमारे माइक लिटल ने, पढ़ा, उसे लगा कि मैं भी इसमें काम कर सकता हूँ, उसने बोल दिया भाई मैं भी तेरे साथ काम करूंगा, ठीक है, मैं तेरे साथ फोकिंग करूंगा। तो माइक लिटल की बात पे मैट एग्री हो गया, तो दोनों इकट्ठे हो गए। फिर इन दोनों ने मिलके अप्रोक्सीमेट 10 मेंबर से कम मेंबर, टीम मेंबर से 10 से कम टीम मेंबर थे, एग्जैक्ट कितने थे पता नहीं, मे बी 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कई जगह पे 9 लिखे, कई जगह 8 लिखे, तो आप ऐसे लिख देना कि लेस देन 10 टीम मेंबर्स थे जिन्होंने वर्डप्रेस को बना दिया, ठीक है, इकट्ठे काम करके, फोकिंग करके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, कुछ भी बोल सकते हो उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसका नाम क्या रखें, तो एक और उनका फ्रेंड आया, ठीक है, उसका नाम क्या था, क्रिस्टाइन सेलेक्ट्रीमोल्ट, ठीक है, वो कौन था, वो मैट का ही दोस्त था, जो मैट जिसने बोला था कि मैं इसमें फोकिंग करूंगा, जिसका जिसने ब्लॉग लिखा था, उसी का ही एक फ्रेंड था क्रिस्टाइन, उसने कहा जी इसका नाम हम चेंज करते हैं, हम इसका सक्सेसर नाम नहीं रखना, हमने कुछ और नाम रखना है। तो कहते ठीक है बताओ भाई नाम बताओ, तो उसने नाम बता दिया जी वर्डप्रेस नाम रखना, ठीक है। तो उसने ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में वर्डप्रेस पहले ही बैठा था, उसने बोल दिया जी वर्डप्रेस होना, और काफी टाइम लगता है ये नाम डिसाइड करने में भी, और देखना पड़ता है कि कॉपीराइट का इशू ना हो, पेटेंट ना साइन हो ऑलरेडी इस नाम पे, वो सारा कुछ देख दुख के उन्होंने फाइनल कर दिया कि इसका नाम जी वर्डप्रेस रखेंगे। तो 1 अप्रैल 2003 को ये वर्डप्रेस उन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया, ठीक है। तो उसके बाद
जो फर्स्ट वर्जन था इसका उसमें इन्होंने न्यू फीचर्स ऐड किए. कौन कौन से थे? एक तो एडमिन इंटरफेस इन्होंने बढ़िया बनाया, उसके बाद कुछ न्यू टेम्पलेट्स ऐड किए और XHTML 1.1 के कंपेटिबिलिटी वाले कुछ टेम्पलेट्स इसमें इंक्लूड किए जो कि हर यूजर इसे यूज कर सकता था. देन वर्जन 1.2 आया, जो आया पूरे एक साल एक महीने बाद. अप्रैल 2003 में आया था वर्डप्रेस, मई 2004 में आया है हमारा वर्जन 1.2. फर्स्ट वाला 1.1 था, ठीक है. तो जो 1.2 था उसमें प्लगइन आर्किटेक्चर स्पेशल फैसिलिटी थी इसकी. उसमें क्या था, उन्होंने प्लगइन्स यूजर को बनाने के लिए लो कर दिया डेवलपर को कि तू प्लगइन बना सकता है और उसे पब्लिश भी कर सकता है, ताकि दूसरे लोग जो उस कम्युनिटी के हैं जो वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं वो उन प्लगइन्स को यूज कर सके, ठीक है. उसके बाद काफी वर्जन आए, बट आई थिंक ऑफिशियली 1.2 को ही वर्डप्रेस का ऑफिशियल वर्जन अभी तक अनाउंस किया गया है. बाकी सारे डिफरेंट डिवेलपर्स ने काफी चीजें उसमें ऐड करके डिलीट करके उन्होंने अपलोड कर दी हैं, बट जो स्टेबल रिलीज है वो 1.2 है अभी तक. जैसे जावा के डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं 1.8, बट स्टेबल है 1.9, 10, 11 भी है ऑलरेडी, ठीक है, बट वो स्टेबल वर्जन नहीं माना जाता. वैसे ही वर्डप्रेस की केस में भी, ठीक है जी. कोई डाउट है किसी को? मैम हाँ जी, अगर मीटिंग एंड होगी तो रीजॉइन कर लेना डाउट के लिए. मैम जो माइक